ओवर 50 क्रिकेट वर्ल्ड कप 2020 में कल को जो 24वां मुकाबला खेला जाना उसका पिच रिपोर्ट, मौसम की जानकारी, ड्रीम 11 टीम के लिए बल्लेबाज, ड्रीम 11 टीम के लिए गेंदबाज, मैच प्रेडिक्शन और पॉसिबल प्लेइंग 11 दोनों टीमों की सारा कुछ लेकर आए आपके लिए इस वीडियो में। क्रिकेट की हर जानकारी सबसे पहले पाने के लिए सब्सक्राइब करें क्रिक स्टार और हिट करें नोटिफिकेशन बेल को। आगे बढ़ने से पहले यहां पर आपको बताना चाहते हैं, अगर आपको फ्री में ड्रीम 11 टीम चाहिए तो टेलीग्राम के ऊपर पहुंचिए और सर्च कीजिए क्रिक 11 फोरकास्ट चैनल, ये वाला चैनल आपको वहां पे मिलेगा और इस चैनल को कर लेना है सब्सक्राइब, क्योंकि यहां पर ही मिलेगी आपको फ्री में ड्रीम 11 टीम। तो ये मुकाबला खेला जाएगा इंडिया 50s और नामिबिया 50s टीम के बीच और ये मुकाबला ग्रुट सीसी केप टाउन क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा और ये मुकाबला इंडियन समय के अनुसार दोपहर 1:45 पे 16 मार्च को यानी कि कल को शुरू हो जाएगा और ये मुकाबला 45-45 ओवर का होगा और इस ग्राउंड के ऊपर अभी तक कोई भी मुकाबला नहीं खेला गया है तो इसलिए इस ग्राउंड के कोई भी आंकड़े मौजूद नहीं हैं। लेकिन यहां पर आपको बाउंड्री डिमेंशन के बारे में बता देते हैं, तो यहां पर स्ट्रेट और बैकवर्ड बाउंड्री 53 yard की है और साइड बाउंड्री दोनों साइड पर 62 yard की है। और अब यहाँ पर मौसम के बारे में बात करते हैं, तो मैच के दिन मौसम रहेगा 26 degrees से लेकर 14 degrees तक, क्लियर स्काई, कोई भी बारिश होने की शंका नहीं है। और अब आपको दिखाते हैं इंडिया 50s टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं बदरुद्दीन खान है कप्तान और पारक अनंता है विकेटकीपर और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं नामिबिया 50s टीम की पॉसिबल प्लेइंग 11, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, आप देख सकते हैं मेल्टवेन शकूर है विकेटकीपर और लैनी लाऊ है कप्तान और बाकी सारे खिलाड़ी जिनके नाम आप पढ़ सकते हैं। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म बल्लेबाज, बैसी इन्होंने 81 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, बदरुद्दीन खान इन्होंने 105 रन बनाए इस टूर्नामेंट में, पुनामी सुंदर इन्होंने 52 रन बनाए इस टूर्नामेंट में। और अब आपको दिखाते हैं इनफॉर्म गेंदबाज, मयंक खंडवाला इन्होंने 3 विकेट चटकाए इस टूर्नामेंट में, दी ठाकुर इन्होंने 4 विकेट चटकाए इस टूर्नामेंट में, वैनजाइल इन्होंने 1 विकेट चटकाया इस टूर्नामेंट में। तो ये थे इनफॉर्म बल्लेबाज और इनफॉर्म गेंदबाज, आपकी ड्रीम 11 टीम के लिए बारी है यहां पर मैच प्रेडिक्शन की। लेकिन प्रेडिक्शन करने से पहले यहां पर आपको स्क्रीन शॉट दिखाते हैं सीबीटी एरिया के, तो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, ध्यान से देख लीजिए। तो जो पीएसएल का 28वां मुकाबला हुआ था जी, उसके स्क्रीन शॉट है। तो जैसा आप देख पा रहे हैं कि एक बार फिर से सीबीटी एरिया की ये सारे प्रेडिक्शन सही रहे हैं और अगर आपको भी 100% सही प्रेडिक्शन चाहिए तो आप सीबीटी एरिया के साथ संपर्क कीजिए, ये है उनका व्हाट्सएप नंबर 7491928134। तो अब यहां पर बारी है मैच प्रेडिक्शन की, तो मुझे लगता है ये मुकाबला इंडिया 50s टीम जीतेगी। तो ये था इस वीडियो में, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा इसको लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।